हेलो बच्चों, मेरे हाथ में ये और यहाँ पर सॉल्यूशंस देखकर आपको पता तो चल गया होगा कि आज हम इस डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज में क्या करने वाले हैं। यस बच्चों, आज इस डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज में हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चे लोग, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में थियोरेटिकल तो पढ़ लिया है, बट जैसे हमारी चैनल का नेम है क्रिएटिव केमिस्ट्री, तो आज इस टॉपिक के लिए भी हम कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, राइट। तो चलिए मैं फटाफट पहले आपको जो जो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सारे जो लिए हैं, जो केमिकल्स लिए हैं, राइट, जो इलेक्ट्रोड्स मैंने लिए हैं वो क्या है पहले मैं आपको दिखा दूँ। तो बच्चे लोग, मैंने पहले यहाँ पर लिया है 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन, दूसरा मैंने लिया है यहाँ पर 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं ये अभी मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो फॉर द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट में एक अपलोड करने वाला हूँ कि ये 1 मोलर, 1 मोलल, 1 नॉर्मल, इस तरह के सॉल्यूशंस किस तरह से बनाते हैं। तो ये मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हुआ है, राइट। तो चलिए, ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर 1 मोलर, ओके। यहाँ पर मैंने अभी रूम टेम्परेचर भी 298 केल्विन, मतलब कि मैंने यहाँ पर एसी में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रूम का मेंटेन करके रखा है। क्यों बच्चे लोग? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, स्टैंडर्ड सेल किसको कहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें 1 मोलर एंड जो टेम्परेचर है उसका चाहिए हमें 298 बच्चे लोग, राइट। तो चलिए, ये तो मैंने ले लिया। अभी इसके साथ मैंने ये दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर लिए हुए हैं। काफ़ी बच्चों ने कभी इलेक्ट्रोड्स भी देखे नहीं होंगे, ऑब्वियसली मैं भी जब आपके जितना छोटा था 11th 12th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने भी कभी इलेक्ट्रोड्स देखे नहीं थे, सिर्फ टेक्स्ट बुक में देखे थे। तो बच्चे लोग, ये हमारा है कॉपर इलेक्ट्रोड, इसके साथ मैंने एक वायर कनेक्ट किया हुआ है। चलिए, तो इस कॉपर इलेक्ट्रोड को मैं रख रहा हूँ CuSO4 के सॉल्यूशन में। ये मेरा है जिंक इलेक्ट्रोड, देखकर ही आपको पता चल जाएगा, थोड़ा ब्लैकिश सिल्वर इस टाइप कलर है इसका, रेडी। तो इसको मैं रख रहा हूँ ZnSO4 सॉल्यूशन में। चलिए, ओके, रख दिया। ओके, ये हमारा है DMM, डिजिटल मल्टीमीटर। अगर इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो ये कितना वोल्टेज, मतलब कि कितना E0 सेल हमारा प्रोड्यूस करेगा, वो ये मीटर दिखाएगा। बच्चे लोग, जैसे हम लोगों ने क्लासरूम में पढ़ा था कि ये जो 1 मोलर वाला स्टैंडर्ड सेल मैं लूँगा, तो एक्चुअली इसका वोल्टेज थियोरेटिकली 1.1 वोल्ट आना चाहिए, रेडी। चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एक्चुअली एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट आएगा या नहीं आएगा। ऑब्वियसली 100% 1.1 वोल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल डेटा है। एक्सपेरिमेंटल में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जगह पर एरर रहता है, कहीं कहीं पर वोल्टेज ड्रॉपिंग रहता है, तो देखते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब पता चलेगा। चलिए, ये मेरा पॉजिटिव एंड है, ये मेरा नेगेटिव एंड है, तो मैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं तो पहले क्या होता है। चलिए, इसके साथ मैंने ये कनेक्ट कर दिया, इसको भी इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है 1.1 वोल्ट, कुछ नहीं दिखा रहा है, 0.00। यस बच्चे लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन वोल्टेज क्या है, 0.00। तो आप लोग सोचेंगे कि 0.0 क्यों है, तो मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है, क्या इसमें क्या चीज़ मिसिंग है। यस, द मिसिंग थिंग इज ये हमारा यूट्यूब नहीं, ये यू शेप ट्यूब हमारा। यस बच्चे लोग, सॉल्ट ब्रिज इसमें मिसिंग है, मतलब कि ये दो सॉल्यूशन रेडी है, इलेक्ट्रोड भी रेडी है, ये मीटर भी रेडी है, लेकिन ये दो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है, तो मुझे इसमें क्या रखना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज। तो मैं अगर सॉल्ट ब्रिज रखूंगा इसमें तो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी मेरा सॉल्ट ब्रिज एम्प्टी है, मतलब कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर मुझे जो जेल लेना है अभी मुझे वो प्रिपेयर करना बाकी है। ऐसे तो देखा जाए तो मैं पहले से प्री प्लांट इसको प्रिपेयर करके रख सकता था, लेकिन ये सॉल्ट ब्रिज भी किस तरह से बनते हैं, इसके अंदर जो जेल है उसको किस तरह से फिलअप करते हैं, और एक जनरली बच्चे लोग, आपका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जब पढ़ता था तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चलता था कि अगर ये सॉल्ट ब्रिज को, ये यू शेप जो ट्यूब है उसको मैं उल्टा करूंगा तो अंदर जो लिक्विड है वो निकल नहीं जाएगा, तो टीचर्स हमें ये बताते थे कि वो जेल फॉर्म में रहता है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है कि ये किस तरह से होता है। तो चलिए, मैं A to Z डिटेल में पहले ये सॉल्ट ब्रिज किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हमारा जो सॉल्ट ब्रिज बन जाएगा, राइट, उसको इसमें रखेंगे, फिर देखेंगे कितना वोल्टेज जनरेट होता है। ओके बच्चों, तो चलिए अभी मैं ग्लोव्स पहन लेता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री लैब का एक्सपेरिमेंट है तो सेफ्टी फर्स्ट। और हाँ बच्चों, ये जो सारी डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज में हम जो एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं, इसको आप घर पर ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये हम पहले डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर अपने आप कर लेते हैं, इसका थोड़ा रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको ये हम दिखाते हैं, रेडी। तो आपको ये घर पे ट्राई
नहीं करना है। ओके बच्चों, चलिए मैंने ग्लोव्स यहाँ पर इस तरह इसलिए पहने हुए क्योंकि यहाँ पर हम इसको हॉट वाटर बाथ देने वाला है। इस फ्लास्क में मैं थोड़ा वाटर लूँगा, उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ KCL। यस बच्चों, यही हमारा मेन कंपोनेंट है। रेडी? ओके, मैं KCL का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तो बनाऊंगा, लेकिन उसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसमें कंपाउंड ऐड करना पड़ेगा। अगर यस बच्चों, ये मैंने मार्केट से परचेस किया हुआ है। अगर पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली आता है और हमें इतना कॉस्टली परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस फॉर्म में अगर परचेस किया हो, इसका थोड़ा पार्ट मैं इसमें ऐड करूँगा, तो ये मुझे क्या करके देगा, जब मैं इसको कूल करूँगा तो मुझे ये जेल में कन्वर्ट करके दे देगा। और इसमें जो यू शेप जो हमारी ट्यूब है, उसको मैं अगर उल्टा करूँगा तो भी हमारा लिक्विड इससे बाहर आएगा नहीं। रेडी बच्चों? तो चलिए फटाफट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं पहले हमारे जो इंडक्शन है उसको स्टार्ट कर लेता हूं यहां से। चलिए, इंडक्शन में डायरेक्टली टेम्परेचर यहां पर 200 लिया है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए उसको कम कर रहा हूं। तब तक जब तक मेरा ये वाटर बॉयल हो जाए, मैं इसमें थोड़ा वाटर ले लेता हूं। चलिए, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ KCL, पोटेशियम क्लोराइड। थोड़ा सा ले रहा हूँ KCL, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है मुझे। यस, चलिए इसमें मैंने ऐड किया यहाँ पर KCL। ओके, चलिए थोड़ा और पानी डाल देता हूँ इसमें। ओके, चलिए अब बारी आई है अगर की। KCL को भी रखिए साइड पर। इसमें से थोड़ा सा अगर मैं डाल रहा हूँ इसमें, मैगी जैसा लगता है। हाँ, बहुत हल्का रहता है तो थोड़ा मुझे ज़्यादा इसमें डालना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं साइड पर रख रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, तो इसमें मैंने केसी अगर भी ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा अंदर डुबा देते। चलिए, अभी इसका एक हॉट सॉल्यूशन मुझे बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको ओके बच्चों, तो यहां पर अभी हमारा सॉल्ट ब्रिज का जो सॉल्यूशन है वो रेडी हो रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि मैं कोई कुकिंग चैनल चला रहा हूं, आपको कुछ रेसिपी सिखा रहा हूं। इसको थोड़ी देर लगेगी। यस बच्चे लोग, तो आप यहां पर देख सकते हैं पूरा हॉट वाटर बाथ दिया हुआ है और हमारा अगर भी काफी अच्छा सा मेल्ट हो गया है। थोड़ा अभी बाकी है मेल्ट होने में, लेकिन जितना चाहिए उतना तो ये मेल्ट हो गया होगा मुझे लगता है। ओके बच्चों, तो लगता है अभी हमारा ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, काफ़ी हॉट है। तो चलिए इंडक्शन को बंद करते हैं, हमारा सॉल्ट ब्रिज का सॉल्यूशन रेडी हो गया है। ओके, तो चलिए इसको भी भरते हैं इस यू शेप ट्यूब में। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इससे यस इसमें थोड़ा निकाल लेता हूँ। यस, चलिए तो अच्छी तरह से मैं इसमें भर सकता हूँ अभी। ओके बच्चे लोग, तो बहुत देर तक मैंने इसको थोड़ा वाटर बाथ दे दिया है। तो चलिए देखते हैं, मुझे लगता तो ये जेल में कन्वर्ट हो गया है। मैं थोड़ा इसको चलिए उल्टा करके दिखाता हूँ। भगवान, जेल में कन्वर्ट हो गया हो तो अच्छा है, नहीं तो मेरा वीडियो और मेरा दोनों का टाई टाई फुश हो जाएगा। ये मैंने किया उल्टा इसको। यस बच्चे लोग, तो ये 100% जेल में कन्वर्ट हो गया है और इसमें से कुछ भी अभी बाहर निकल नहीं रहा है। रेडी? आप लोगों को यहाँ पर लिक्विड का जो सरफेस है वो भी दिखाई दे रहा होगा। राइट? ओके बच्चे लोग, यस, आपको शायद ऐसा भी लग सकता है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ भी नहीं है, सर ने सिर्फ दिखाने के लिए उल्टा किया हुआ है। तो अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं जैसे ही सॉल्ट ब्रिज को इस सॉल्यूशन में रखूंगा तो फिर से
ये मतलब कि जो हमारा वोल्टेज अभी 0.0 है तो वोल्टेज 0.0 ही रहेगा, कुछ हिलेगा नहीं, क्योंकि ये दो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होंगे। रेडी? तो ये इसके अंदर कुछ मैंने मतलब कि KCL अगर भरा हुआ है, तो चलिए इसको अभी रखते हैं सॉल्यूशन में। तो बच्चे लोग आपको क्या देखना है, जैसे ही मैं इन दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये हमारा वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाना शुरू कर देगा। रेडी? तो थोड़ा जूम करके बच्चों को दिखाइए कि इधर दो सॉल्यूशन एंड वोल्ट मीटर। तो चलिए इसको मैं इधर अंदर रख रहा हूँ, ये मैंने डाला और वोल्ट मीटर का कुछ रीडिंग चेंज, अभी तो मैंने पूरा अंदर डाला भी नहीं है, थोड़ा सा टच किया, यस। तो ये मैंने वोल्ट मीटर अभी मैं देख रहा हूँ, यस। तो यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है 1.02 वोल्ट। बच्चे लोग एक्चुअली थियोरेटिकल आंसर इसका 1.1 वोल्ट है, ये नियरली 1 है, धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने पहले जब डेमोन्स्ट्रेशन किया था तो थोड़ा धीरे धीरे ये बढ़ता था, लेकिन 1.023 ईयर्स ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, एंड 1.02 इट इज़ नॉट बैड। रेडी? एक्सपेरिमेंटल थोड़ा इतना 0.1 का तो रहता है। ओके बच्चों लोग, तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया कमाल था वो था सॉल्ट ब्रिज का। ओके, हम लोगों ने क्लास में ये भी पढ़ा हुआ था बच्चे लोग कि ये जो कनेक्शन में अगर उसको गलती से उल्टा दे दूंगा तो वोल्टेज तो शायद इतना ही दिखाएगा, एक्चुअली थियोरेटिकल तो हम देखते हैं तो इतना ही दिखाता है, लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव, मतलब कि जो वैल्यू पहले थी उससे अपोजिट आएगी। तो चलिए वो भी एक मजा करके देखते हैं, मैं दो कनेक्शन यहाँ पर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। रेडी? अभी यहाँ पर 1.0203, मतलब कि धीरे धीरे वो 1.0567 तक हम लोगों ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था तो पहुंचता है, मतलब कि नियरली इट इज़ अ 1.1 वोल्ट। तो हमारा ये सेल वर्क कर रहा है बच्चे लोग, यस। चलिए तो अभी मैं कनेक्शन इसका उल्टा करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, जो मैंने एनोड लिया था एक्चुअली उसको मैं कैथोड करूँगा, कैथोड लिया था उसको मैं एनोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लगाया, चलिए इसको मैं अभी साइड में रख रहा हूँ अभी इसके साथ। चलिए अभी वोल्टेज 0.0, जैसे मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, यस, अगेन वोल्टेज सेम 1.02, लेकिन आगे वैल्यू बच्चे लोग क्या है, माइनस में। सर बच्चों को जूम करके दिखाना कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, यस, -1.02 -1.03। तो बच्चे लोग यहाँ पर माइनस वैल्यू से भी हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है, जिसको मैंने एनोड एज्यूम किया था वो एक्चुअली कैथोड है, और जो कैथोड एज्यूम किया था वो एनोड है। तो बच्चे लोग हमें थियोरेटिकली यहाँ पर पता है कि जो हमारा ZnSO4 सॉल्यूशन में जो जिंक है, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि हियर जिंक रॉड इज बिहेविंग एज एनोड। एंड ये जो हमारा ब्लू सॉल्यूशन है CuSO4 का, उसमें क्या होगा, तो जो CuSO4 सॉल्यूशन में Cu2+ आयन प्रेजेंट है, वो एक्सटर्नल सर्किट में से जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसको एक्सेप्ट कर Cu2+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसका रिडक्शन होगा, एंड ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है उसकी सरफेस पर वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहेगा। राइट?